हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्त आपसे प्रेम भी कर सकता है। प्रेम ही तो भक्ति है। जिसके मन में प्रेम ना हो वो मेरा भक्त कैसे हो सकता है? सच पूछो तो मैं प्रेम ही प्रेम हूँ, प्रेम ही परमात्मा है। किसी से प्रेम करने की कोई विधि नहीं होती, परंतु पूजा करने की तो कई विधियां हैं। आपके भक्त इन्हीं विधियों के अनुसार आपकी पूजा और भक्ति करते हैं। हे अर्जुन, पूजा मन की साधना होती है, और मन की साधना का विधि से क्या लेना देना? जैसे प्रेम करने वाले दो प्रेमंत से मन को लगाकर प्रेम करते हैं, वैसे ही भक्ति की जाती है। ये विधियां तो बनाने वालों ने बना दी हैं। मैं उन विधियों द्वारा पूजा करने वालों की पूजा भी स्वीकार कर लेता हूं, परंतु मैं ये नहीं देखता कि मेरा भक्त विधि अनुसार पूजा कर रहा है या नहीं, केवल पूजा करने वाले की भावना देखता हूं। उसके मन में मेरे प्रति प्रेम और भक्ति भाव है या नहीं ये देखता हूं। जिस पूजा में विधि ही विधि हो और प्रेम तथा भक्ति ना हो, उस पूजा द्वारा कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। वाह प्रभु वाह। हे अर्जुन, मेरे भक्त बड़े अनोखे और निराले हैं। कोई मुझे अपना पिता मानकर मुझसे बेटे का रिश्ता जोड़ लेता है। तो कोई मुझे माता मानता है। जय माता, जय माता। तो कोई मुझे सखा मानता है। दिखाओ क्या छुपा रहे? अरे अरे दिखाओ तो, अरे दिखाओ ना। अरे दिखाओ ना सुदामा। तो कोई मुझसे प्रेम का नाता जोड़ लेता है, जैसे गोकुल की गोपियां। मुझे नहीं, मुझे नहीं। जो मेरे प्रेम में संसार की सारी रीत रिवाजों को भूल जाती हैं, उनकी आंखों में, उनके मन में हर जगह हर समय मेरा ही रूप समाया होता है। जितने अर्जुन यह अवतार है मेरा, प्रेम अवतार सब मेरे नातेदार। मात पिता सुत बंधु सखा कह जोड़े लोग अनेकों नाते। बालक जान झुलाते पलना, ठाकुर जान के भोग लगाते। गोकुल में गोलोक के वासी, गोकुल में गोलोक के वासी, गोपियां बन मेरे पीछे आते। मेरे पीछे आते, पार्थ सारथी बन जाता मैं, नेह के नाते निभाते निभाते। जो मुझको जिस भाव से ध्याते, वो मुझको उस रूप में पाते। कई सिद्ध साधु मुझसे प्रेम करने के लिए गोपियों के रूप में बार बार जन्म लेते हैं। मैं सब भक्तों को उनकी भक्ति का बदला उनके मन चाहे रूप में देता हूं। मैं उनका पिता भी हूं, माता भी हूं, सखा भी हूं,
और प्रीतम भी मैं ही हूँ। तो क्या भक्त आपसे प्रेम भी कर सकता है? प्रेम ही तो भक्ति है। जिसके मन में प्रेम ना हो वो मेरा भक्त कैसे हो सकता है? सच पूछो तो मैं प्रेम ही प्रेम हूँ, प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, पूर्ण समर्पण मुझको भाए। प्रेम डगरिया चल के राही, मेरी नगरिया तक आ जाए। प्रेम मेरे संग करने वाला, मुझ तक पहुँचे मुझी में समाए। किसी से प्रेम करने की कोई विधि नहीं होती, परंतु पूजा करने की तो कई विधियां हैं। आपके भक्त इन्हीं विधियों के अनुसार आपकी पूजा और भक्ति करते हैं। हे अर्जुन, पूजा मन की साधना होती है और मन की साधना का विधि से क्या लेना देना? जैसे प्रेम करने वाले दो प्रेमन से मन को लगाकर प्रेम करते हैं, वैसे ही भक्ति की जाती है। ये विधियां तो बनाने वालों ने बना दी हैं। मैं उन विधियों द्वारा पूजा करने वालों की पूजा भी स्वीकार कर लेता हूं, परंतु मैं ये नहीं देखता कि मेरा भक्त विधि अनुसार पूजा कर रहा है या नहीं। केवल पूजा करने वाले की भावना देखता हूं, उसके मन में मेरे प्रति प्रेम और भक्ति भाव है या नहीं, ये देखता हूं। जिस पूजा में विधि ही विधि हो और प्रेम तथा भक्ति ना हो, उस पूजा द्वारा कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। वाह प्रभु वाह। पूजा की विधि जाने न जाने, सेवा में निधि लाए न लाए। आवाहन के विसर्जन के कोई मंत्र सुनाए या न सुनाए। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, पूर्ण समर्पण मुझको भाए। मुझे संपूर्ण साधने की एक ही शर्त है, मुझ में मन लगाए, मेरा ध्यान लगाए। इस संबंध में एक विचार और है। आपका ध्यान लगाते समय मन में केवल आप रहें और संसार का कोई विचार बाधा ना डाले, इसका कोई तरीका तो होगा? हाँ, एक आसान तरीका तो है, परंतु वो कोई विधि नहीं है, बल्कि एक गुर है, एक योगी कला है, जिससे ध्यान लगाने में बड़ी सहायता होती है। वो आसान तरीका, वो योगिक कला क्या है मधुसूदन? सुनो अर्जुन, संसार के झमेलों से बचने के लिए मनुष्य एकांत में बैठकर मन को प्रभु के ध्यान में लगाए, क्योंकि एकांत में मनुष्य अपने भीतर झांक सकता है। परंतु ध्यान लगाने के लिए अपने अंतर में झांकने की क्या आवश्यकता है? हे अर्जुन, तुम भूल रहे हो कि परमात्मा का अंश अर्थात आत्मा मनुष्य के भीतर ही वास करती है। इसी आत्मा से संपर्क ही प्रभु से मिलन का पहला चरण है। इसलिए हे अर्जुन, जो मुझसे मिलन चाहता है उसे सबसे पहले अपने अंतर में ही झांकना चाहिए, और ये तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य का अपना शरीर उसके नियंत्रण में हो। यदि देह काबू में ना हो तो मनुष्य को ध्यान लगाने का उद्देश्य नहीं मिल पाएगा। हे योगेश्वर, ध्यान लगाने का अंतिम उद्देश्य क्या है? ध्यान योग का उद्देश्य परमात्मा से संपर्क करना होता है।
परंतु इसके प्रथम चरण में मनुष्य को आत्मशुद्धि प्राप्त होती है, स्वच्छता मिलती है और ध्यान लगाने वाले का अंतर निर्मल हो जाता है। हे अर्जुन, जब तक मनुष्य अपने अंतर की शुद्धि नहीं कर लेता, परमात्मा से ना तो संपर्क कर सकता है और ना ही आत्मा परमात्मा में लीन हो सकती है। और यह भी समझ लो कि जब ध्यान लगाने का पहला उद्देश्य, क्योंकि अंतर शुद्धि है इसलिए वो स्थान भी पवित्र होना चाहिए जहां ध्यान लगाया जाता है। हे अर्जुन, मेरा ध्यान लगाते समय मनुष्य को चाहिए कि वो अचल बैठकर अपनी पीठ, सिर और गले को समान और सीधा रखे और अपनी दृष्टि को अपनी नाक के अगले भाग पर इस तरह जमाए कि दूसरी सारी दिशाएं आंखों से ओझल हो जाएं। ऐसा करने से अपने आसपास के वातावरण से उसकी इंद्रियों का संपर्क टूट जाएगा और मनुष्य अपने अंतर में मन लगा सकेगा। हे पार्थ, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् न चलन् स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान अवलोकयन्। हे मधुसूदन, ये तो बड़ा ही सहज और अच्छा तरीका है। इस ढंग से तो कोई भी मनुष्य आसानी से ध्यान लगा सकेगा। ये ठीक है अर्जुन, परंतु वो मनुष्य मुझ में ध्यान नहीं लगा सकेगा जिसके जीवन में संतुलन ना हो। ध्यान लगाने में सफलता के लिए मनुष्य को संतुलन का पालन करने वाला होना चाहिए। मेरे भक्त को चाहिए कि वो ना इतना खाए कि यूं लगे जैसे वो केवल खाने के लिए जीता है। ना ही इतना कम खाए कि हड्डियों का ढांचा बन जाए। ना इतना सोए कि दिन को भी रात समझे। ना इतना कम सोए कि रात को भी रात न समझे। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। यदि सुख मिले तो खुशियों से नाचने न लगे। और यदि दुख मिले तो रो रो कर अपने आप को हलकान न करे। दुख सुख की हवा के झोंकों से न भड़कने बुझने वाला मनुष्य उस दीपक की ज्योति की भांति होता है जो तेज हवा में भी सीधी और अडोल रहती है। यथा दीपो निवातस्थो नेन गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। हे योगेश्वर, ये दुख सुख, ये प्यारी नींद, ये भिन्न भिन्न और स्वादिष्ट भोजन तो आप ही का वरदान है। फिर इनका भरपूर आनंद ना लेना ध्यान योग के लिए क्यों आवश्यक है? हे अर्जुन, मैंने सुखों की माया मनुष्य के लिए ही रची है। वो इन सुखों का आनंद अवश्य ले। मैं ये नहीं चाहता कि मनुष्य दुख में रहे, दरिद्रता में रहे। मैंने आनंद की रचना ही इसीलिए की है कि समस्त प्राणी जीवन में आनंद से रहें, परंतु इस आनंद में परमानंद को भूल जाएं, मैं ये नहीं चाहता। इसलिए यदि कोई मनुष्य इस परमानंद को पाना चाहता है, अर्थात ध्यान योग द्वारा मुझ परमात्मा में लीन होना चाहता है,
उसके लिए आवश्यक है कि वो इस माया में उलझा ना रहे और मोक्ष प्राप्त करे, अन्यथा जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाएगा कि निकल ही नहीं सकेगा।